ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। इससे पहले कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के मैसेज की बात करूं, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपने तमाम जो हमारे ऑडियंस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। वेर एवर यू आर, हैप्पी दिवाली टू यू एंड आई शेयर योर हैप्पीनेस ऑफ दिस फेस्टिवल। बहुत शुक्रिया। सेम मैसेज फ्रॉम मी जी एंड टैक टीवी। जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये एक दिन पहले, मेरा ख्याल है अगर मुझे ठीक याद पड़ा तो, इंडिया का इन्फेंट्री डे भी है और दिवाली भी है, और जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त सेंटर ऑफ द न्यूज़ बना हुआ है, इंडिया में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ऑब्वियसली ही टुक दिस अपॉर्चुनिटी कि कश्मीर जाएं, अपने जो है मिलिट्री के साथ वो दिन स्पेंड करें दिवाली का, और उससे एक क्लियर मैसेज सेंड आउट करें अपने लोगों के लिए भी और बाहर भी कि कश्मीर में अब जो चीज़ें हैं वो शायद उस तरह टर्मोइल वाली या वो चीज़ें नहीं हैं, अब ये नॉर्मल हो गया है। इवन अगस्त 5 के बाद जो हम नॉर्मेलेसी और ईज आउट देख रहे थे, वो शायद आज कल्मिनेशन की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जब कोई आप डिसाइड करते हैं किसी सेरेमनी में, किसी फंक्शन में जाने का डिसीजन, तो वो बड़ा एक मीनिंगफुल चीज़ होती है, वो एक मैसेज होता है। ऐसे आपका स्टाफ आपको नहीं सजेस्ट करता कि आप ये करें या आप वो करें। तो उन्होंने दिवाली मिलिट्री के साथ भी बनाई और इसके साथ दुनिया को एक बड़ा वाज़े मैसेज दिया कि कश्मीर इज़ ए नॉर्मल, रिटर्निंग टू नॉर्मल थिंग। आपने कहा कि कश्मीर इज़ रिटर्निंग टू नॉर्मल थिंग, इसमें एक और जो मैसेज तो उन्होंने दिया, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, शायद आप भी ऑब्ज़र्व कर रहे हों, चूँकि अगरचे अगर हम कैनेडियन हैं मगर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के भी हैं, तो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर की आर्मी के लोगों के साथ होती है, जिस तरह वो त्यारे से उतरते हैं, वो उनको वो कोई इस तरह का नहीं है कि जैसे आर्मी उनकी बॉस हो, और ना ही आर्मी कोई ऐसा जेस्चर देती है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से पॉलिटिकली कोई उनसे एग्री और डिसएग्री कर सकता है, जी और जी ये हाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होता है, मगर मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जो बातचीत करने का एक स्टाइल है, आर्टिकुलेट होते हैं, वो पीपल्स मैं प्राइम पाकिस्तान मिनिस्टर, के पीपल्स प्राइम मिनिस्टर। सियासतदानों, पाकिस्तान के जो आर्मी हुक्मरान रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनकी बातचीत की सलाहियत को मैं अक्सर मोदी साहब के साथ लाशौरी तौर पर कंपेयर करता हूँ। नो बडी इज क्लोजर टू इट। नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिफरेंट पॉलिटिशियन है, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल डिफरेंट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो वो डिफरेंट इसलिए हैं कि जो कांग्रेस के पॉलिटिशियंस हैं, ऑब्वियसली उनको भी इंडिया की एक बड़ी आवाम ने इलेक्ट किया होता है, पॉपुलर डायनेस्टी है, वो रही भी है। मतलब नथिंग, आई एम नॉट नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, दे आर एज रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन एज एनीबॉडी एल्स, लेकिन उनमें थोड़ा सा एक इलीट टच है जो कि थोड़ा सा नज़र आता है। मुझे नहीं ठीक कह पता, रहे आई हैं। डोंट नो, आई एम टॉकिंग एज एन आउटसाइडर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ए पीपल्स प्राइम मिनिस्टर। ही लुक्स लाइक, ही टॉक्स लाइक ए पीपल्स प्राइम मिनिस्टर। वो जो बात करते हैं जिस तरह, और जो डाउन टू अर्थ उनका एटीट्यूड होता है, वो उस जो इंडिया के हम लीडर्स देखते रहे हैं, मतलब दूसरी तरह के भी आए हैं, मतलब गांधी डायनेस्टी के अलावा और भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो बहुत ही डाउन टू अर्थ, जैसे बड़ा वाजपेयी साहब थे, वाजपेयी थे, इवन नरसिम्हा राव थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, मुरारजी देसाई थे, लॉन्ग लिस्ट है। ठीक वो ठीक कह लोग रहे हैं। अपनी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जो लाए जाते हैं अक्सर इलीट ही हैं, और पाकिस्तान का अगर आप कंपैरिजन करना ही चाहें, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा था कि मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन अब किसी चीज़ में भी नहीं देखता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है, सिवाय इसके कि वो दे आर पार्ट ऑफ द सेम क्लॉथ, दे आर शेयरिंग द सेम टेरिटरी। अब वो एक प्रोजेक्शंस में, एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के स्वॉट एनालिसिस में, दे आर टू डिफरेंट नेशंस नाउ, बिल्कुल डिफरेंट उनकी ट्रेजेक्ट्रीज हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहें तो पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं आज तक, अच्छे भी थे, फौज के पपट भी थे,
सारा कुछ था, लेकिन ज़्यादातर इलीट क्लास से थे, बारिंग कपल ऑफ देम। हाँ नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। मुझे एलीट क्लास से भी कोई बहुत मसला नहीं होता, मुझे ये होता है कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास से होते हैं लीडर्स, मगर पीपल्स जैसे लफ्तार अली भुट्टो जैसे भुट्टो थे। जो मोदी साहब की बात जो ऐसी मैंने छेड़ी, मैं करना चाह रहा था वो ये कि वो एक आर्टिकुलेट भी हैं, सिर्फ अपनी आवाम में नहीं। हमने देखा जब वो इंटरनेशनल लेवल पे लीडर से मिलते हैं तो उसमें भी होते हैं। अभी एक छोटा सा क्लिप आपको और नाज़रीन को दिखाते हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन के कुछ पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, और ये वो छोटा सा ग्रुप है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस का जो आजकल में विजिट भी जम्मू एंड कश्मीर का कर रहा है। ये भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। हम अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं कि वो एक मुख्तसर वीडियो क्लिप देखें। अर्जेंट एक्शन must be taken against all those who support or sponsor terrorists or support such activities and organizations or use terrorism as a state policy. There should be zero tolerance for terrorism. तो बहुत अहम बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो उनका मौकफ है वो एक बार फिर दोहराया, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। कश्मीर के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट कि अब फॉरेन डिप्लोमेट्स को इजाज़त दे दी या खोल दिया गया कश्मीर के। आइए आप देख लीजिए सूरत हाल। तो ये किस बात का इशारा है? ये इसी चीज़ का इशारा है जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर में सिचुएशन